मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, मुझे मेरे नाम से कोई नहीं जानता, आई एम स्ट्रगलिंग फॉर माई ओन आइडेंटिटी। वेल, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रहे हैं विकी जैन। जी हाँ, बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट एंड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के हस्बैंड विकी जैन का ये कहना है कि ही इज लूजिंग हिज आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ हिज वाइफ अंकिता लोखंडे। Hi everyone, this is Navmi and you are watching Uncut. जी हाँ, बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट विकी जैन ने अभी हाल ही में अपना ये दुख अपनी बीवी अंकिता लोखंडे के सामने रखा। उन्होंने कहा दैट ही इज स्ट्रगलिंग फॉर हिज ओन आइडेंटिटी, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हें उनकी वाइफ एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के नाम से पहचानते हैं और इस बात का उन्हें बहुत दुख है, क्योंकि वो अपनी वाइफ के नाम से नहीं बल्कि अपनी खुद की अचीवमेंट्स एंड टैलेंट के दम पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। विकी जैन का ये कहना है कि जब से उनकी शादी अंकिता लोखंडे से हुई है, तब से वो इस दुनिया में कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, भले ही वो उनके अपने ही क्यों ना हो, सब उन्हें अंकिता के हस्बैंड के नाम से ही बुलाते हैं। और जब उन्होंने अंकिता को ये बात बताई तो अंकिता का जवाब था कि ये तो अच्छी बात है। तो ये सुनकर विकी अपनी पत्नी अंकिता पर और भी गुस्सा हो गए, जिस कारण दोनों की लड़ाई भी हुई। अब इन सब चीज़ों के चलते विकी जैन को ऐसा लग रहा है कि उनकी खुद की आइडेंटिटी, उनकी अपनी पहचान पूरी तरह से खो चुकी है। एक्चुअली जब से बिग बॉस 17 की शुरुआत हुई है, तब से ही ये पॉपुलर टीवी कपल अंकिता लोखंडे और विकी जैन के बीच झगड़े देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि कहीं इन दोनों की शादी खतरे में तो नहीं, या कहीं इस गेम में बने रहने के लिए ये इनकी कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं। वेल, अब सच्चाई जो भी हो, मेन मुद्दा ये है कि विकी जैन अपनी खोई हुई आइडेंटिटी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो इस चीज़ को बदलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा आखिर क्यों है? क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम से पहचाना नहीं जा सकता? क्या ये गलत है? हमारी सोसाइटी में ये हमेशा से चलता आ रहा है कि शादी के बाद एक औरत अपने पति का नाम खुद के नाम से जोड़ती है और अपने पति के नाम से ही ज़्यादातर पहचानी जाती है। लेकिन अगर एक पति अपनी पत्नी के नाम से जाना जा रहा है, तो ये एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल है क्या? क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए? जिस तरह एक पत्नी अपनी पति के नाम से जानी जाती है, उसी तरह एक पति भी अपनी पत्नी के नाम से जाना जा सकता है। क्या आज के टाइम पे भी ये इतना बड़ा इशू होना चाहिए? इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताइए कॉमेंट्स में। और देखते रहिए अनकट।